जी भैया का हम दीवाने हैं और रहेंगे भी, अब तक सांसे रहेंगे, भैया रहेंगे, जिंदाबाद चलते रहेंगे। काम करना है तुमको, आप फेमस कर देंगे, तुम टेंशन ना लो, अब मन से काम करो, सांसद जी हाजिर हो वो भाजपा को भगाना। समाजवादी पार्टी कार्यालय में हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं चांद बाबू। चांद बाबू से बात करते हैं और खुद जानते हैं कि उनकी तारीफ क्या है। सर पे लाल टोपी है समाजवादी पार्टी की, जिंदाबाद के लगातार नारे लगाते हैं चांद बाबू। चांद बाबू कहाँ से आए हैं? हम भदोही जिला के रहने वाले हैं, ज्ञानपुर विधानसभा है मेरा जी। अच्छा, कितनी हाइट है आपकी? पौने तीन फीट है। पौने तीन फीट जी, जी जी। नारे बड़े लंबे लंबे लगाते हैं जी। जी भैया का हम दीवाने हैं और रहेंगे भी। अच्छा, दीवानगी किस हद तक है? जान तक है। जान तक है, जब तक सांसें रहेंगी भैया रहेंगे, जिंदाबाद चलते रहेंगे। टोपी भी सर पे लगी हुई है जी, बिल्कुल लगी रहेगी, वही तो शान है अपनी पार्टी की। अच्छा जी, तो पार्टी के लिए कब से जुड़े हुए हैं? पार्टी हम 2012 से जुड़े हुए हैं, उससे पहले भी थे मगर 2012 से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या उम्र है आपकी? हमारा उम्र है 31 साल की। हाँ जी जी। अच्छा, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए कब से काम कर रहे हैं और क्या करते हैं, क्या हैं आप? जी हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से जिला सचिव हैं, प्रदेश ये अभी हुआ है, एक महीने हुआ है। अच्छा जी जी। और हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में, भैया ने आदेश दिया है कि आपको प्रचार करना है और उसी काम में जुटे हुए हैं। किस तरह से करते हैं प्रचार? जी डांस करके और नारे लगा के अपनी आवाज़ से जी। कितने लोग रहते हैं आपके साथ? जी हमारे साथ में बहुत से लोग रहते हैं भाई लोग, और उन लोगों के साथ हम प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। भैया से मुलाकात हुई अखिलेश जी? जी जी जी, अभी मुलाकात करके। क्या बोले अखिलेश जी? वो बोले हम काम करना है तुमको, आप फेमस कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। अच्छा। अब मन से काम करो। हम बोले ठीक है भैया, हम काम करेंगे। पूछा नहीं कि क्या क्या करना है जाके हमें क्षेत्र में? नहीं नहीं, ये चीज हम उनसे नहीं पूछ सकते। अब वो हमें सिर्फ आदेश दिए हैं कि आपको प्रचार करना है और मन से करना है, और मन से हम कर रहे हैं। हमने गाना देखा आपका, कौन सा गाना बनाया? आप एक्टिंग भी किए? जी जी जी, वो मानी जी का गाना है, वो पार्टी का गाना है, तो उसमें एक्टिंग हमें करना पड़ा है, तो हम मौका मिला, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि मानी जी हमें मौका दिए, इस वीडियो में जगह दिए, हम बहुत खुशी हैं, उसे आभार व्यक्त करते हैं मानी जी का जी। मानी जी मिले थे आपसे? जी 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 मिले। अच्छा, गाना क्या है, गाने के बोल क्या है, कुछ सुनाइए हमको भी। जी हाजिर हूँ हाजिर हूँ। क्या दिखाना चाहते हैं, गा के हमको बताइए और फिर बताइए। हम गाना तो गाते नहीं, हम डांस करते, डांस करिए, डांस तो करके आपको दिखाए। गाना तो कोई भी गाता है, कुछ कुछ दो बोल तो गाइए हमारे लिए। नहीं हम गाना गाते ही नहीं है, हमें पसंद भी नहीं है। क्या गाने के बोल क्या है तो बताइए। सांसद जी हाजिर हूँ। क्या बताना चाह रहे हैं इसमें आप लोग वीडियो में? ये गाने के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं ये मेरा बनाया हुआ गाना नहीं है, ये पार्टी का बनाया हुआ गाना है, उस पर हमें सिर्फ एक्ट करना था, हमने एक्ट कर दिया है। एक्ट किया है जी। और क्या दिखाने की कोशिश है आप लोगों की गाने के जरिए, क्या दिखाने की कोशिश है आप लोगों की? सांसद जी हाजिर हो वो भाजपा को भगाना है। हाँ क्या लगता है, अच्छा इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है भदोही में, पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और आप लोग इतना जोर लगाए हुए हैं? नहीं नहीं, पीडीए का जो पखवाड़ा चल रहा है, पीडीए बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है और लड़ेगी, और उम्मीद करते हैं कि वो जो 400 पार पार कर रहे हैं ना, वो 400 के अंदर में सिमट जाएंगे। ये पीडीए की इतनी मजबूत ताकत है कि वो उनको हराने का काम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कुछ कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, पूरा उम्मीद क्या, पूरा 100% उम्मीद है। कितनी सीटें जीतने की बात आप कहते हैं भैया से, कितनी जीते? 80 में 80 आएगी। 80 में 80 जीतेंगे आप? हाँ। बीजेपी के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ो, वो सफा हो जाएगी। बीजेपी सफा हो जाएगी? हाँ, वो उनको भगा देना है, क्योंकि वो जनता को बहुत ज्यादा झूठे वादे और धोखा दिए हैं, इस पे जनता जागरूक हो चुकी है, बस वो इंतजार कर रही है उस दिन जिस दिन बटन दबने की तैयारी है। अखिलेश जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? हमें उनका उनका सोच जो है, उनका विचार हमें बहुत अच्छा लगता है, और वो सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीज़ हमें बहुत सीखने को मिला है, और हम उनके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जिस मुकाम से वो लोगों को हैंडल करते हैं या लोगों को देखते हैं, हमें बहुत खुशी होता है, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। नेताजी की क्या बात याद रहती है आपको? नेताजी की क्या बात याद आती है आपको? हमें उनका उनका जो आदेश रहता है, हमें उनका सबसे पहले जो वो आदेश करते हैं, हमें वो बातें यादें रहती हैं कि हमें ये चीज़ करनी है। अब ठीक, जरा जो गाना सांसद जी है उसमें आपने कहा एक्ट कर रहे हैं, जरा एक्ट करके दिखा दीजिए थोड़ा सा। अरे रहने दीजिए, वो वीडियो बनी है आप उसमें ले देखिए। ये है चांद बाबू
और 3.25 फीट के हैं। और सीधी बात ही देखिए, समाजवादी पार्टी की जो जिंदाबाद आप करते हैं, जरा वही कर दीजिए एक बार। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद करते हुए 3.25 फीट के चांद बाबू गाना, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और गाना एक बनाया गया है प्रचार को लेकर के, उसमें अभिनय भी इन्होंने किया हुआ है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।